नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं आपके साथ कंचन कुमारी। चलिए बढ़ते आज की खबरों की तरफ। सबसे पहले इस न्यूज के प्रायोजक हैं ग्रेस फूडी। टेस्ट थोड़ा हटके। टिकटॉक शूटिंग के दौरान एक स्कूली छात्रा की मौत। टिकटॉक वीडियो शूटिंग के दौरान स्कूली छात्रा की मौत। अंग्रेज बाजार थाना अंतर्गत मधुघाट इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 9वीं का छात्र मनोज अपने दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक पर टिकटॉक वीडियो बना रहा था। तभी पास से गुजर रहे मालवाहक ट्रेन की चपेट में आने से मनोज बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसे उठाकर मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उक्त युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को घटना की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि मृत्यु का कारण क्या है। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव के द्वारा डाबग्राम इलाके में बांटा गया जमीन का पट्टा। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने डाबग्राम के ठाकुर नगर इलाके में 65 परिवारों के बीच जमीन का पट्टा बांटा। आज के इस पट्टा वितरण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे पर्यटन मंत्री गौतम देव सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता। सिलीगुड़ी के डाबग्राम 2 नंबर ग्राम पंचायत के द्वारा असहाय 11वीं और 12वीं कक्षा के गरीब छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया। शहर के सिलीगुड़ी से सटे डाबग्राम 2 नंबर ग्राम पंचायत में 11वीं और 12वीं से असहाय गरीब विद्यार्थियों के बीच पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे इलाके के विधायक एवं मंत्री गौतम देव, जलपाईगुड़ी जिला परिषद के कर्माध्यक्ष देवशीष प्रमाणिक, डाबग्राम फुलवारी ब्लॉक के युवा तृणमूल सभापति गौतम गोस्वामी सहित अन्य। सिलीगुड़ी नगर निगम अंतर्गत 3 नंबर वार्ड में भाजपा के द्वारा 2021 का चुनाव को मद्देनजर रखते हुए गृह संपर्क अभियान शुरू किया गया। आने वाले 2021 के विधानसभा के मद्देनजर भाजपा द्वारा सिलीगुड़ी के 3 नंबर वार्ड में तेजी की गई गृह संपर्क अभियान। इस अभियान के तहत भाजपा का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को भाजपा से जोड़ना है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुत से राजनीतिक दलों में लोगों का दल बदल का कार्य शुरू हो गया। आज 3 नंबर वार्ड के भाजपा सभापति विनोद गुप्ता ने नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। विनोद गुप्ता ने बताया कि यह अभियान आने वाले 10 दिनों तक चलेगा। दहेज की आड़ में 8 महीने गर्भवती महिला का बेधड़क मारने के बाद उसकी मौत का आरोप सामने आया। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 19 अप्रैल 2018 को हसीना खातून नामक महिला का विवाह अब्दुल जमीर नामक व्यक्ति से हुई थी। शादी के 6 महीने अंतराल सब ठीक चल रहा था। उसके बाद अब्दुल द्वारा कई तरह के ऋण बैंक द्वारा लिए गए। बाद में ऋण लेकर उस पैसे को नहीं लौटा पा रहा था, जिसके बाद वो बार बार हसीना को अपने घर से पैसे लाने के लिए दबाव बनाता था। नहीं मांगने पर बेधड़क पिटाई करता था। विवाह के दौरान अब्दुल ने कुछ पैसे की मांग की थी, जिसके कुछ पैसे दिए गए, बाकी के 50,000 बाकी थे, जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। पारिवारिक सहमति से 1 सितंबर को सभी समस्या का उसी रात को सुलह कर ली गई थी, लेकिन दूसरे दिन अब्दुल एवं उनका परिवार ने हसीना के घर फोन कर कहा कि हसीना की तबीयत खराब है और उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा है, आप सभी वहां पहुंचे, जहां हसीना के परिवारजनों ने पाया कि हसीना अपने 8 माह के गर्भवती स्थिति में ही उसकी मौत हो गई है। इस घटना को लिखित शिकायत हसीना के परिवार द्वारा अंबाड़ी फालाकाटा आउटपोस्ट में दर्ज कराई गई है। अब तक आप देख रहे थे खबर आजकल। लगातार खबरों को पाने के लिए हमारे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।